टू माई न्यू ब्लॉग। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है और आज आ गए हैं झारखंड के सबसे खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट साहिबगंज। झारखंड में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं 2400 डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ देखने के लिए, झारखंड सभी भारत के सभी राज्यों से सबसे अधिक खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है, फिर भी यहाँ बहुत गरीबी है। सो गाइस, आज हम आपको ग्वालियर क्षेत्र के खूबसूरत घाटियों को दिखाएंगे, इसी वीडियो पर बने रहें। यहाँ पे आपको देखने के लिए राजमहल में गंगा मिल जाएगा, जो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट और एक स्टेट से दूसरे स्टेट, और आपको साहिबगंज से अगर गंगा के उस पार चले जाते हैं तो बिहार हो जाता है, और इधर आपको बंगाल मिल जाएगा। बिहार बंगाल ये इंक्लूडिंग है साहिबगंज से। सो अभी हम बोरियो क्षेत्र में हैं। बोरियो क्षेत्र में सबसे बड़ा शिव का धाम है शिव गादी। जब कभी भी आप अपने परिवार के साथ आएँ तो खूबसूरत घाटियों का भी आनंद लें और शिव का पूजा अर्चना करें और आपका आशीर्वाद पाएँ। तो वीडियो पर बने रहें, मैं सारे लोकेशन को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा। तो हे गाइस, ये रहा वो सबसे खूबसूरत घाटी, आप देख पा रहे हैं ये किसी फिल्म सिटी के दृश्य से कम नहीं है। ये खूबसूरत घाटी आपको बोरियो के घाटी में मिल जाएंगे। आप कभी भी आएँ तो यहाँ आप पिकनिक स्पॉट के रूप में भी आके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अब हम लोग अपनी गाड़ी से जाते जाते धीरे धीरे जब आगे, यहाँ आपको जितना भी तरह के जड़ी बूटी हैं और जितने भी तरह के वृक्ष हैं सब मिलेंगे। तो अच्छे हैं, देखिए पाइपलाइन का काम चल रहा है और पूरा रोड क्लियर है घाटी का। हमेशा घाटी आते जो जिठा आ रहा था इन्वाइट कर दिया, सब देश के लोग पसंद करते हैं, जंगल ही जंगल मिलेंगे और किसी भी तरह शांति नहीं मिलेगी। सारे के सारे लोग अच्छे हैं और चूँकि यहाँ पे जो अब देखिए, अब हम जिस क्षेत्र पे आए हुए हैं जिस घाटी पे, यहाँ पे देखिए आदिवासी लोगों के घर दिखाई दे पड़ रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे अपना ये लोग भरण पोषण जीवन यापन करके लगा हुआ है। ये खूबसूरत घाटी का वो दृश्य है, ये भेड़ चला गया ये रास्ता। अब आपको ये पक्षी जो गीत कहलाता है रामायण काल से जा रहा है, और हम आपको बोले राजमहल, ये राजमहल का वो गंगा का घाट है जहाँ आप गंगा का स्नान का आप लुत्फ उठा सकते हैं। और ये गंगा जो उस छोर दिखाई दे रहा है वो बिहार पड़ जाता है, कटिहार कहलाता है वो क्षेत्र, मनिहारी। पहले ये क्षेत्र में राजाओं का मतलब करता था, मनिहारी में राजा हुआ करते थे। और अब हम आपको शिव धाम शिव गादी का जो दृश्य है उसी करके